नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के स्क्वाड के बारे में और साथ ही जानेंगे किस खिलाड़ी को कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों, बात करेंगे इस पूरी वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग की टीम में टोटल 25 खिलाड़ी हैं, जिनमें कि 17 इंडियन खिलाड़ी हैं और 8 फॉरेनर खिलाड़ी हैं। अब बता दें कि इनके पास में 3.2 करोड़ रुपीज़ हैं, जो कि काफ़ी अच्छा पास है, जिससे कि अगले साल नए खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, बात करें चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाजों के बारे में, तो बल्लेबाज में हैं इनके MS धोनी, जो कप्तान हैं और विकेट कीपर भी हैं। इनकी सैलरी है 15 करोड़, जो कि इन्हें मिलेगी। अगले खिलाड़ी हैं सुरेश रैना, जिनकी सैलरी है 11 करोड़, जो कि इस बार के IPL में इन्हें मिलेगी। अगले खिलाड़ी हैं फाफ डुप्लेसी, जिनकी सैलरी 1.6 करोड़ रुपये, जो कि इस बार इन्हें मिलने वाली है। अगले खिलाड़ी हैं अंबती रायडू, जिनकी सैलरी है 2.2 करोड़ रुपीज़, जो कि इन्हें मिलेगी। अगले खिलाड़ी हैं मुरली विजय, जिनकी सैलरी है 2 करोड़ रुपीज़, जो कि इस बार के IPL में नहीं मिलेगी। अगले खिलाड़ी हैं ध्रुव सोया, जिनकी सैलरी है 20 लाख रुपये। अगले खिलाड़ी एन जगदीशन, जो कि विकेट कीपर भी हैं, इनकी सैलरी है 20 लाख। अगले खिलाड़ी हैं सैम बिलिंग, जिनकी सैलरी है 1 करोड़ रुपीज़ और साथ में ये विकेट कीपर भी हैं। अगले खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़, जो कि इस बार के IPL में चेन्नई सुपर किंग ने इन्हें खरीदा है, जिनकी सैलरी है 20 लाख। दोस्तों, अब बात करते हैं हम ऑलराउंडर की। अब दोस्तों, ऑलराउंडर में है DJ ब्रावो, जिनकी सैलरी 6.4 करोड़ रुपीज़, जो कि इस बार इन्हें मिलने वाली है। अगले खिलाड़ी हैं रविंद्र जडेजा, जिनकी सैलरी 7 करोड़ रुपीज़, जो कि इन्हें मिलने वाली है। अगले खिलाड़ी हैं शेन वॉटसन, जिनकी सैलरी है 4 करोड़ रुपीज़, जो कि इस बार के IPL में इन्हें मिलेगी। अगले खिलाड़ी हैं डेविड विली, जिनकी सैलरी है 2 करोड़ रुपीज़, जो कि इन्हें मिलेगी। अगले खिलाड़ी हैं मिचेल सेंटन, जिनकी सैलरी है 50 लाख रुपीज़, जो कि इन्हें मिलेगी। अगले खिलाड़ी हैं मोनू कुमार, जिनकी सैलरी है 20 लाख रुपीज़। अगले खिलाड़ी हैं चेतन बिश्नोई, जिनकी सैलरी है 20 लाख रुपीज़, जो कि इन्हें मिलेगी। अगले खिलाड़ी हैं हरभजन सिंह, जिनकी सैलरी है 2 करोड़ रुपीज़, जो कि इस बार इन्हें मिलेगी। अगले खिलाड़ी हैं केदार यादव, जिनकी सैलरी 7.8 करोड़ रुपीज़, जो कि इन्हें मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम बॉलर्स की। तो बॉलर्स में है इनके पास दो स्पिनर हैं, जिनमें इमरान ताहिर की सैलरी है वो 1 करोड़ रुपीज़ और करण शर्मा की सैलरी 5 करोड़ रुपीज़। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इनके फास्ट बॉलर की। तो इनके फास्ट बॉलर में दीपक चहर, जिनकी सैलरी 80 लाख रुपीज़। अगर दोस्तों, अगले खिलाड़ी हैं लुंगी एंग्री, जिनकी सैलरी 50 लाख रुपीज़। अब दोस्तों, बात करें अगले खिलाड़ी की, तो अगले खिलाड़ी हैं शार्दुल ठाकुर, जिनकी सैलरी 2.6 करोड़ रुपीज़। दोस्तों, अगले खिलाड़ी हैं KM आसिफ, जिनकी सैलरी 40 लाख रुपये, जो कि इन्हें मिलेगी। दोस्तों, अब अगले खिलाड़ी वो है मोहित शर्मा, जिनकी सैलरी है 5 करोड़ रुपीज़, जो कि इस बार की IPL में चेन्नई सुपर किंग की टीम ने काफ़ी बड़ी बोली लगाकर इन्हें खरीदा और काफ़ी उम्मीद है इनसे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और साथ ही जो कि अपने पिछली पुरानी टीम में वापस लौट गए हैं, तो इनसे काफ़ी उम्मीद होगी चेन्नई सुपर किंग की टीम की, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर दें। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और टीमों के स्क्वाड के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको सभी खिलाड़ियों की फुल स्क्वाड की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।